फर्जी टाइगर नहीं चलने वाला। टाइगर थे और अपने आप को जो टाइगर कहता है, अब डुमरी की जनता ही तय करेगा कौन असली टाइगर था। नाव में तो मामला एकदम सामने सामने का था, बेबी देवी थी सामने, यशोदा देवी थी। जयराम महतो के आने के बाद सब कह रहे हैं कि मामला ट्रेंगुलर हो गया। कल नॉमिनेशन है, कल ही नज़ारा देखने को मिल जाएगा। टेलर कल दिखाएंगे, कल टेलर दिखाएंगे जी, फिल्म रिजल्ट का दिन दिखाएंगे। वो लोग भी बोल रहे हैं टेलर हम दिखा दिए, पहले नॉमिनेशन में कितनी भीड़ जुटी। टेलर दिखाया गया, परिणाम का दिन 4-5 बजे आपसे मुलाकात होगी। ट्रायंगुलर हुआ है कि रेक्टेंगल हुआ है सब पता चलेगा। जयराम महतो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट मुझे डुमरी से मिला है, और जो 90-95 हज़ार वोट मिला है वो फिक्स है, मेरा अभी कहीं हिलने वाला नहीं है। बड़ा ख्वाब है, ख्वाब पानी फिर जाएगा। लगातार अभी मैं कवरेज कर रहा था उनका कार्यक्रम, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि विधायक के घर से ही लोग विधायक बनेंगे, परंपरा टूटेगी, अब गरीब का बेटा विधायक बने। देखिए ना की बात है, भटवा भेवे दिन यहाँ काम करल ही है तो काम के जनता जरूर दाम मिलते। देवी देवी अखिलेश महतो का मुकाबला किससे है, यशोदा जी से है, जयराम जी से है? किसी से मुकाबला, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं डुमरी में हूँ। डुमरी का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है, हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी हैं, तो उनके सामने आसू की उम्मीदवार यशोदा देवी और JLKM से उम्मीदवार जयराम महतो हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश महतो हैं, राजू महतो हैं, जो बेबी देवी के पुत्र हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं। अखिलेश जी, उपचुनाव से इस चुनाव में कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? कि कहीं कोई अंतर नहीं है, जिस तरह उपचुनाव हम लोग जीत हासिल किए उससे बेहतर इस बार जीत हासिल करने जा रहे हैं। यशोदा जी और उनके समर्थक बोल रहे हैं कि उपचुनाव में एक सिंपैथी था जगन्नाथ बाबू के प्रति, इसलिए उधर चला गया, इस बार पलड़ा हम लोग का भारी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिंपैथी रहता तो उनको 84,000 नहीं मिलता, हम लोग 1.5 लाख पार करते हैं। और अभी जो 1.5 साल में हम लोग कार्य किए हैं, जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास जो किरण नया उगा है 1.5 साल का बीच में, आप देख लीजिए पूरे झारखंड में हमको नहीं लगता इतना काम हुआ होगा। हम लोग विकास किए हैं, जनता हमारे साथ है। क्या काम किए हैं? यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा के मामले में अभी भी पिछड़ा है। आप लास्ट 2019 से आप देख सकते हैं इस कार्यकाल का, नेत्रहाट के तर्ज पे हम लोग विद्यालय मेरा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृति मिला, शिलान्यास भी हो चुका है, ITI कॉलेज भी। सेंट्रल स्कूल कौन सा? केंद्रीय विद्यालय डुमरी में बनना प्रस्तावित है, इसका भी स्वीकृति मिल गया है। वो तो बोल रही है कि सांसद के प्रयास से ये बनने जा रहा है। लेटर दिखा दे, चैलेंज करते हैं। मंत्री जी का, मेरे पिताजी का अनुशंसा से वो डुमरी आया है, मैं दावा के साथ कहता हूँ। और नेत्रहाट के तर्ज पे एक विद्यालय मेरा नावाडीम बनना है, ITI कॉलेज नावाडीम बन के तैयार हो चुके हैं, कुलगो में भी ऑनगोइंग है, उसके बाद पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय नेत्रहाट में, उसके बाद झारखंड बालिका विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, लगभग सभी स्कूल बन के तैयार लगभग हो चुके हैं। शैक्षणिक कार्य हमको लगता है नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा। अनेकों स्कूल हम लोग अपग्रेड करवाए हैं, डुमरी हो, नावाडी हो, चंद्रपुरा हो, प्लस टू में स्कूल अपग्रेड हुए हैं। शिक्षण कार्य में पथ के मामले हो, बिजली के मामले हो, 70 पंचायत में 9-9 सब स्टेशन अभी हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। एक अभी भेंड्रम हाल फिलहाल हम लोग शिलान्यास किए, अलार्गो का भी प्रस्तावित है, 10-10 विद्युत सब स्टेशन मेरे क्षेत्र में, हमको नहीं लगता कोई विधानसभा क्षेत्र में इतना होगा, इतना मेरे पिताजी और माँ ने किया है काम। चर्चा ये थी कि इस बार अखिलेश महतो चुनावी मैदान में होंगे, पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी भी आए थे कैंपेनिंग करने तो वो बोल रहे थे कि शेर का बच्चा तैयार हो गया है, अगली बार यही मैदान में होगा, लेकिन फिर से बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, केंद्रीय कमेटी का जो आदेश निर्देश हम लोग शुरू से कहें कि जो केंद्रीय कमेटी का आदेश आएगा हम लोग पालन करेंगे, हम हो या माँ हो, कहीं कोई अंतर नहीं है माँ बेटा में। हाँ जी बिल्कुल, पिछली बार उपचुनाव में तो मामला एकदम सामने सामने का था, बेबी देवी थी सामने, यशोदा देवी थी। जयराम महतो के आने के बाद सब कह रहे हैं कि मामला ट्रेंगुलर हो गया।
कहीं कुछ नहीं हुआ है। परिणाम का दिन 4-5 बजे आपसे मुलाकात होगी। ट्रायंगुलर हुआ है कि रेक्टेंगल हुआ है सब पता चलेगा। जयराम महतो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट मुझे डुमरी से मिला है और जो 90-95 हज़ार वोट मिला है वो फिक्स है, मेरा अभी कहीं हिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो मेरे पिताजी भी यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी रहे। आदरणीय MP साहब को 1,08,000 मत मिले थे। मेरे पिताजी रहते हुए हम लोग 70-78 हज़ार में अटक गए थे, वही परिणाम फिर से आया है। तो बड़ा ख्वाब है, ख्वाब पानी फिर जाएगा, आप देख लीजिएगा। डुमरी के जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। वो लगातार अभी मैं कवरेज कर रहा था उनका कार्यक्रम, वो कह रहे हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा कि विधायक के घर से ही लोग विधायक बनेंगे, परंपरा टूटेगी, अब गरीब का बेटा विधायक बने। देखिए ना की बात है, भटवा भेवे दिन है, यहाँ काम कर ली है तो काम के जनता जरूर दाम मिलते। मतलब आपको लग रहा है कि जो काम आप लोग किए हैं उसके आधार पर वोट करेंगे? एकदम बिल्कुल, हरदम मुखर आवाज़ में मेरे पिताजी, जो उनका मुद्दा है ये तो अभी स्टार्ट किए हैं। मेरे पिताजी जीवन भर लड़े, 1932 के बात हो, स्थानीय के बात हो, नियोजन की बात हो, पर खुद स्थानीय नहीं है। कहाँ गया उसका मुद्दा, गोल हो गया, आया है मैदान में। हम लोग भी मैदान में है, यहाँ की जनता भली भांति सबको पहचानती है, जवाब देगी इसका। मतलब डुमरी ये तय कर देगा कि ओरिजिनल टाइगर कौन है? बिल्कुल, ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हम फर्जी टाइगर नहीं चलने वाला है। टाइगर थे और अपने आप को जो टाइगर कहता है, अब डुमरी की जनता ही तय करेगा कौन असली टाइगर था। लेकिन आप जिस 1932 स्थानीय नीति का जिक्र कर रहे हैं, पिताजी जब थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ही उनके प्रयास से कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो चाहते तो यहीं से हो जाता, उसको सेंट्रल नहीं भेजना पड़ता। नहीं देखिए, जो हमारी सरकार की सोच है उसके आलोक में हम लोग आगे बढ़े, हमारी सरकार आगे बढ़ी, पर किसके इशारे पे आदरणीय राज्यपाल महोदया के यहाँ से फाइल डाउन हो जा रहा है कहना मुश्किल है। वहाँ कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सरकार बनती है हम लोग 1932 पास करवाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है गिरिडीह पूरे ज़िले की और ख़ास करके डुमरी के भी, कि पलायन की समस्या है, लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। क्या उस पर फोकस करके आप लोग काम कर पाए, अगर फिर से मौका मिला तो क्या उस पर काम करेंगे, क्या प्लान है? देखिए ये मुद्दा डुमरी में तो रही है, हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड से इशू आता है, ज़मीन वैसा है नहीं, जो ज़मीन खाली है सब फॉरेस्ट है और जो रैयत लोग हैं वो ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। उद्योग आएगा कहाँ से, लगेगा कहाँ से, रोज़गार मिलेगा कहाँ से, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हो, कल कारखाना हम लोग बैठाने का काम करवाएंगे सरकार के माध्यम से। सरकार के जो कामकाज रहे, जो उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं, आपकी माँ भी मैया सम्मान के आभार यात्रा में गई, बिजली बिल माफ़ हो जाना, इन सब का प्रभाव दिख रहा है चुनाव? बिल्कुल दिख रहा है। हम तो आपसे नहीं बोलेंगे, आप खुद स्वयं जाके जा गांव गांव पता कर लीजिए। मैया सम्मान का योजना स्कीम हो, बिजली बिल हो, कृषि लोन माफ़ी हो, रोजगार सृजन योजना हो, अबुआ आवास हो, ऐसे अनेकों स्कीम हैं। हर घर सरकार हमारी पहुंची है, उससे सरकार किसी घर से अछूता नहीं है। यहाँ के लोग सरकार के साथ खड़ा है, इसमें कहीं किंतु परंतु वाले कोई बात ही नहीं है। तो बेबी देवी अखिलेश महतो का मुकाबला किससे है, यशोदा जी से है, जयराम जी से है? किसी से मुकाबला, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है। अब कल ही का बिहार बह रहा है, गंगा बह रहा है, कल ही होगा, कल लाख पार होगा, कल ही लोगों का जीत नजारा। एक लाइन में सीधा सीधी बात है, कल मतलब नॉमिनेशन के वक्त, कल नॉमिनेशन है, कल ही नज़ारा देखने को मिल जाएगा। ट्रेलर कल दिखाएंगे, कल ट्रेलर दिखाएंगे जी, फिल्म रिजल्ट का दिन दिखाएंगे आप। वो लोग भी बोल रहे हैं ट्रेलर हम दिखा दिए पहले नॉमिनेशन में, कितनी भीड़ जुटी है। ट्रेलर दिखाया गया, किस किस जिला से लोग आए, हम लोग गाड़ी में आर क्रॉस कर रहे थे, 11, 14, 15, 5, 1, 2,
जे एच के बाद जो रहता है ना डिजिट, हाँ, जिला क्या एक दो तीन चार पाँच रहता है। गिरिडीह जिला 11, बोकारो जिला 9, धनबाद 10 है। कितना गाड़ी था आप देख सकते हैं, एक फोटो जारी किया गया नज़दीक से, लग रहे एकदम लाखों लोग भीड़े हैं। उसके बाद दूसरा फोटो भी आया, उसको आप सब यहाँ की जनता देख रही है, और कल वाला आप देख लीजिएगा, तब फिर हम आपसे मिल के बात करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये अखिलेश महतो, राजू महतो हैं, बेबी देवी के पुत्र हैं, और ये फुल कॉन्फिडेंस में है। कल बेबी देवी नामांकन करने वाली है, और उससे पहले कह रहे हैं कि कल की भीड़ जो है वो ट्रेलर होगी, और असली फिल्म जो है जब परिणाम आएगा और उसके बाद जनता के सामने आ जाएगा कि आखिर डुमरी का ओरिजिनल टाइगर कौन है। शुक्रिया। www.thefollowup.in